हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के बाद अब हम आपको एक दुख भरी खबर उत्तराखंड से आई है, वो सुनाते हैं। एक बुजुर्ग माँ बाप का बेटा विदेश गया, कमाने गया, वहाँ वो नहीं रहा। माँ बाप को बेटे के शरीर का इंतजार है, पर कुछ दिक्कतों की वजह से पार्थिव शरीर आने में देर हो रही है। हमारी अपील है कि सरकार इन बुजुर्ग की मदद करे, इनकी गुहार सुने। उत्तराखंड के भीमताल में बसा ये परिवार आज गम में डूबा है। वजह, परिवार का बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कंपनी से एक कॉल आया था कि आपके बेटे की बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है और आप एक घंटा पहले एक घंटे बाद बच्चे की डेड हो गई। ये है हिमांशु, जिसने 2019 में मलेशिया में मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया था। 14 अगस्त को मलेशिया से एक फोन आया कि हिमांशु अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी से परिवार का बुरा हाल है। परिवार से लेकर गांव वाले हिमांशु के घर जाकर हिमांशु के माता पिता को ढांढस बना रहे हैं। अब परिवार की एक ही इच्छा है कि वो अपने लाल के अंतिम दर्शन कर सकें और हिंदू परंपरा से हिमांशु का अंतिम संस्कार भारत में हो। मैं एक सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि मेरा बेटा दिखा दीजिए। कोरोना की पाबंदियों और तकनीकी पेचीदगियों को दूर करके सरकार को इस परिवार की इच्छा पूरी करनी चाहिए।